हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू वानी व्लॉग। आई एम सैयद वनीजा शाह एंड यू आर वाचिंग वानी व्लॉग। आज जो है मैं रिव्यू करने वाली हूँ डफी ऑर्गेनिक्स की टिन्स। आई थिंक जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही हैं आजकल स्पॉन्सर पोस्ट पे ऑन इंस्टाग्राम, तो मैंने सोचा मैं ऑर्डर करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल भी मुझे कोई PR से नहीं किया, ना ही कोई ये मेरी फैमिली मेम्बर का ब्रांड है या कुछ। ओके. मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव व्यूज़ सुने हैं लोगों के, तो मैंने सोचा मैं खुद इसको यूज़ करके देखूंगी एंड देन आई विल गिव द ऑनेस्ट रिव्यू टू यू गाइस। सो कीप ऑन वॉचिंग और देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। सो लेट्स डू दिस। तो गाइस, ऑलरेडी मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन वगैरह लगाया हुआ है। ये मैंने पूरे पैकेज में मंगवाई हैं, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो गाइस, ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मैं आपको इसको बैक कैमरा से सारा दिखाती हूँ कि कैसे लगता है। सी, इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल और ये बॉक्स बहुत ही प्यारा लगता है। मतलब यू कैन सी यहाँ पे इनका पेज वगैरह, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका पेज वगैरह लिखा हुआ है और पीछे इनकी स्टोरी लिखी हुई है। साइड में इनके सारे बेस्ट सेलर सीरम्स स्क्रब्स वगैरह सारे लिखे हुए हैं और इनका बॉक्स मुझे बहुत प्यारा लगा, उसलिए मैंने सोचा मैं बॉक्स के साथ टिंट मंगवाती हूँ। एक्चुअली मुझे ये गिफ्ट करनी है अपनी बहन को, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किए हैं। इसमें 3 टिंट्स हैं और सारी ही टिंट्स बहुत पिगमेंटेड हैं। मैंने इनको स्वॉच भी करके देखा है, बहुत ही प्यारी टिंट्स हैं। अभी हम इसको फेस पे लगाएंगे। हम ये दोनों शेड्स लगाएंगे, शार्लेट रेड और ये ऑरेंज वाला। देखते हैं कि कौन सा ऑरेंज है और कौन सा रेड है, क्या पता ये दोनों ही रेड हों। दोनों मुझे सेम ही लग रहे हैं, बट फिर भी हम इन दोनों को लगा के देख। पहले मैं इनको अच्छे से शेड करूंगी एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ देम। पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करूंगी। मैं बहुत ही कम उठाने वाली हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ये टिंट्स बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड हैं। आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑन माई हैंड। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही रनी है, यू कैन सी, बहुत ही वाटरी सी लग रही है। और ये मैंने लगाया और ब्लेंड किया। वाओ, इट लुक्स वेरी नेचुरल। अब शेड नजर आ रहा है, आई कैन सी। आप इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करेंगे। पहले मुझे ये रेड लग रहा था बट अब मुझे ये ऑरेंज लग रहा है। मैं इसको आई रियली लाइक हाउ इट इज लुकिंग। अब जो है हम रेड वाला शेड यूज़ करेंगे, वो हाथ पे निकालेंगे एंड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रनी है तो आपके कपड़ों पे गिर सकती है, तो मैं पहले तो बहुत ही कम लूँगी। आई थिंक दिस वन इज सो पिगमेंटेड। रेड वाली ज़्यादा पिगमेंटेड होती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, आई कैन सी कि रेड वाली ज़्यादा पिगमेंटेड है और ये मेरे हाथ पे यू कैन सी सारी बह गई है। ड्रॉप से भी कम चाहिए आपको, आपको ज़्यादा नहीं लगानी क्योंकि रेड बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। रेड बच गई है, वो मैं अपने लिप्स पे लगा लूँगी एंड लिप्स पे बहुत प्यारी लगने वाली है ये वाली। गाइज, आई एम सो हैप्पी। मुझे कोई खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा रेड और ऑरेंज में, दोनों सेम ही लग रही हैं, फील देता है एंड आई लाइक दिस वन। दोनों मुझे वैसे दोनों ही अच्छे लगे। यू कैन सी कितना ज़्यादा पिगमेंटेड है, ये मेरा पूरा हाथ ज़्यादा रेड कर दिया। इट्स वेरी पिगमेंटेड, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं इसको थोड़ा सा आँखों पर लगा लेती हूँ जो बच गया है। कंसिस्टेंसी इसकी बहुत ही ज़्यादा रनी है, जो है हाथ पे निकालना है और फिर ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा उठा के और ऐसे ब्लेंड करना है। दिस इज बनारस पिंक, दिस इज व्हाट द पिंक शेड लुक्स लाइक। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड भी किया है, यू कैन सी इट इज़ गिविंग अ वेरी सटल ग्लो, बहुत ही प्यारी लग रही है। टिंट जो है ये है ऑरेंज में, आपने इसको अच्छे से शेड करना है। ओके गाइस, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, इट्स ऑरेंज काइंड ऑफ टिंट। इसको अगर आप ब्रश के साथ ब्लेंड करें ऐसे, गाइज दिस इज व्हाट द ऑरेंज टिंट लुक्स लाइक। ये ज़्यादा पिगमेंटेड है पिंक वाली से। गाइज लास्ट में हम लगाएंगे शार्लेट रेड और शार्लेट रेड जो है सबसे ज़्यादा पिगमेंटेड है। शेक करना है, यू हैव टू शेक इट वेल। सो गाइज, दिस इज व्हाट शार्लेट रेड लुक्स लाइक।
बहुत ही प्यारा शेड है बट इट इज़ वेरी पिगमेंटेड। सबसे पहले ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में सुना है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदी दवाई वाली स्मेल है, बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतनी बुरी स्मेल है जो आप लगा भी नहीं सकते इसको। किसी स्मेल है, आई डू अग्री कि इसमें स्मेल है, बट वो स्मेल बिल्कुल ही चली जाती है। जैसे मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि आप किसी ब्रांड को ऐसे ही बोल देते हो कि बहुत बुरी है, ये है वो है। इवन मुझे तो ये ट्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगी है। मुझे समझ नहीं आ रहा लोगों ने इसके बारे में क्यों बुरा बोला है। दूसरी बात, लोगों ने ये भी बोली है कि इट्स वेरी पिगमेंटेड, जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बांदर बन जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आप किसी टिंट को डायरेक्टली ड्रॉपर के साथ यूज़ करोगे तो बांदर ही लगोगे ना, ऑब्वियसली बंदर ही लगोगे। इसको निकालना है, उंगली से उठाना है और फिर यहाँ पे लगाना है और फिर ब्रश से ब्लेंड करना है। इट्स दैट ईजी। हम पागल डायरेक्ट ड्रॉपर से लगाता है, मुझे समझ नहीं आता है। अगर आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड को गिफ्ट करनी है तो आई थिंक दिस वन इज वेरी परफेक्ट। इफ यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड और आपको अगर उसको गिफ्ट करना है कुछ तो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, बहुत परफेक्ट है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी। कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @vanidappu एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन टिकटॉक @sayedvaniza एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर।